गीता पे प्रवचन जाते हैं बड़े बड़े कॉरपोरेट में, ये गीता को कितना समझते हैं। मैं आपको आखिरी बात जो इनका एक लेख है उसके बाद फिर मैं आपके प्रश्न उत्तर लेता हूं, ये गीता को कितना समझते हैं। अब आप देखिए ओशो की सस्ती नकल जो है इनका, ये 2022 का एक लेख है, राम के वास्तविक अर्थ को जानकर मनाए दिवाली। अब इस वास्तविक अर्थ को जानकर मनाए दिवाली में अगर आप देखेंगे तो ये नीचे से दूसरा अध्याय दूसरा पैरा है, आप इसको देखिए वो क्या लिख रहे हैं, अब आपको समझ में आएगा और फिर मैं आपको वास्तविक अर्थ उसका बताऊंगा, यानी आपको लगेगा कि कैसे कचड़े लोगों से हिंदू सनातन धर्म को बचाने की आवश्यकता है। आप देखिए गीता में एक श्लोक आता है कि सर्व धर्मान्य परित्यज मामेकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को छोड़ दे अर्जुन मेरी शरण में आ जा। यहां मेरी से मतलब है आत्मा की, ध्यान दीजिए इसमें, जिस भी किसी आदमी को समझ में आता है ना उसे ये कहना ही पड़ता है कि सारे धर्मों को छोड़ दो क्योंकि तुम जितने ही धर्मों का पालन कर रहे हो वो सारे नकली हैं। ध्यान से सुनते जाइए, मैं आपको ओरिजिनल आपको बात बता रहा हूं। कृष्ण भी अर्जुन को धार्मिक इसी अर्थ में बना रहे हैं कि उससे सारे धर्मों को छोड़ देने को कह रहे हैं और ये सबसे बड़ी धार्मिकता है, सारे धर्मों को छोड़ दो। अब आप ध्यान दीजिए, मोहम्मद साहब ने और क्या किया था, पैगंबर मोहम्मद इस्लाम के, जितने धर्मों का पालन करा जा रहा था अरब में उन सारे धर्मों को नष्ट कर दिया। काबा मोहम्मद साहब से बहुत पहले का है, काबा में हजार कबीलों के देवता की पूजा की जाती थी, मोहम्मद साहब ने वो सब बंद करा दी। ये सब क्या बेवकूफी है, बंद करो, क्या है अल्लाह, बस वही है, एक है अल्लाह बस वही है, तो ये जो इतने सारे थे तुमने क्या नाटक लगा रखा है। ये हूबहू पैरा टू पैरा चेप दिया उसको, चोरी भी ऐसा करो कि पकड़ में ना आओ, पैरा टू पैरा चेप दिया ओशो। जबकि ओशो के ओरिजिनल गीता पर प्रवचन पढ़ते तो यहां वो अलग होता, पर ओशो प्रवचन में कई कई अपनी बातें कई जगह काटते रहते हैं। अब आप यहां ध्यान से देखिए, आपको फिर आपको ये लगेगा कि आदमी कैसे, पहला कि वो जो कह रहा है मामेकम शरणम ब्रज, इसके जरिए जो मूर्ति पूजा का विनाश किया पैगंबर मोहम्मद ने काबा में, उसको ये जस्टिफाई कर रहा है, पहली बात, जितने ही मूर्तियों को कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि अर्जुन को भगवान ने कहा सारे धर्म छोड़ दो मेरे चरण में आ जाए, और जिसको ये जान पड़ता है वो उसको सारे धर्म नकली लगते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये धर्म मोहम्मद का नाम ले आया है इसलिए मैं बता रहा हूं, इनके नजर में, इस आचार्य प्रशांत की नजर में धर्म का मतलब इस्लाम है, हिंदू है, ईसाइयत है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, ये यही धर्म समझ रहे। अब कृष्ण के समय ये तो धर्म थे नहीं, न इस्लाम था, न ईसाइयत था, न जैन थे, न बौद्ध थे, कोई तो धर्म था नहीं, हिंदू धर्म भी नहीं था कि हिंदू नाम, तो फिर कृष्ण किस धर्म के लिए कह रहे हैं। उस धर्म को छोड़कर ये इस्लाम वाले धर्म को आ गया, यानी पंथ को जो धर्म समझ रहा है उसे हिंदू अपना गुरु मान बैठा है। अब कृष्ण जो कह रहे हैं उसको समझिए, ये 18वां अध्याय है, 66वां श्लोक है, सर्व धर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम शर्म पापेभ्यो मोक्षस्य यामि मा सुच। अब इस कथा को, इस श्लोक को मैं आपको अर्थ बताऊं, उससे पहले मैं आपको महाभारत के 18वें दिन से थोड़े पहले की एक घटना बता देता हूं, तो आपको धर्म समझ में आएगा कि कृष्ण किस धर्म के लिए कहा। युद्ध का मैदान सजा हुआ है और अंत में कर्ण आए हैं युद्ध करने, कर्ण और अर्जुन का युद्ध है और कर्ण वीर हैं, वार पे वार प्रतिपार वार चल रहा है, तो कर्ण का जो पहिया है रथ का वो फंस जाता है। ध्यान से आप देखोगे आपको समझ में आएगा कृष्ण किस धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं, और ये आदमी जो खुद को वेदांती कहता है, वेदांत का साधारण अर्थ नहीं समझता, और कह रहे हैं आप जो है आपको अर्जुन मेरी शरण में आ जाए, मेरी से मतलब आत्मा, ये कृष्ण को भी संग आदि की तरह महापुरुष आत्मा कह के, कृष्ण को पूर्ण परमात्मा मानने की जगह ये आत्मा कह के निकल रहा है। पूर्ण वेद व्यास जी को हम माने, आचार्य प्रशांत को माने कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो पूरे संपूर्ण भगवान है वो, ये और किसी के लिए नहीं कहा गया, और वो परब्रह्म है, उसी का अंश हम सब में है।
आत्मा रूप। पढ़िए मेरी शरण में, आत्मा की शरण में, ये आपको कपोल कल्पना में ले जाएगा। अब वो कृष्ण क्या करें उस युद्ध से समझिए। तो अब पहिया फंस गया है, और पहिया फंस गया है तो कर्ण कह रहा है कि हे अर्जुन तनिक ठहर जाओ, मैं तुम रथ पर हो, मैं रथ से नीचे उतर रहा हूं, मेरे रथ का पहिया ठहर गया है, कीचड़ में फंस गया है, रक्त के कीचड़ में फंसा है, मैं तनिक इसे निकाल लूं और फिर हम युद्ध करेंगे। तो अर्जुन अपने गांडीव को रख देते हैं और कर्ण रथ से उतर जाता है और वो अपने रथ का पहिया निकाल रहा है। अब ध्यान दीजिए, अब धर्म यहां क्या कहता है कि एक योद्धा जो निहत्था है, जो रथ पर नहीं है, उसकी हत्या कोई वीर नहीं कर सकता, वध नहीं कर सकता। धर्म ये है, ये धर्म इस्लाम नहीं है मिस्टर आचार्य प्रशांत। अब कृष्ण कह रहे हैं, जिसको तुम आत्मा कह रहे हो वहां, अब कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन देख क्या रहे हो, उठा गांडीव और मार दे कर्ण को। वो कह रहा है माधव कैसे, वह निहत्था है, वो रथ पर नहीं है, कैसे उसे मार दूं। कर्ण सुनता है, कर्ण कहता है अगर ये काम करोगे अर्जुन तो ये महा अधर्म होगा, पृथ्वी पर तुम्हारे नाम के साथ जो गौरव हुआ गौरव समाप्त हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि यह व्यक्ति आज धर्म की बात कर रहा है, अब यह धर्म है, आज यह धर्म की बात कर रहा है। जब कौरव की सभा में पांचाली के वस्त्र खींचे जा रहे थे तब यह पांचाली को वेश्या कह रहा था, तब यह धर्म की परिभाषा भूल गया था। जब साथ साथ महारथी मिलकर और अभिमन्यु को मार रहे थे तब यह धर्म की परिभाषा भूल गया था। इसलिए हे अर्जुन समय ना गमाओ, इसे मार दो। अब यहां जो कृष्ण कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अब यह जो धर्म का की बाधा है, कर्तव्य बोध है, एक निहत्ते को नहीं मार सकते, एक जो रथी नहीं है उसको नहीं मार सकते, लेकिन माम एकम शरणम व्रज, लेकिन तुम मेरी शरण में आ और कृष्ण के शरण में आकर, मतलब कृष्ण कह रहे हैं मार दो, यही धर्म। धर्म का मतलब था कर्तव्य बोध, जो उस वक्त कर्म कर्तव्य जो है वो कर्ण को मारने की अनुमति नहीं दे रहा। कर्तव्य बोध शिखंडी की आड़ में भीष्म पितामह पर धनुष चलाने की अनुमति नहीं दे रहा, लेकिन कृष्ण कहते हैं सब भूल, मेरी शरण में आ, मैं ही धर्म हूं क्योंकि मैं पूर्ण परमात्मा हूं। और इस पूरे श्लोक का यही आशय है। तो कृष्ण के सामने अर्जुन तू सरेंडर कर, और अर्जुन सरेंडर करता है और कृष्ण कहते हैं निहत्थे कर्ण को मार, तो निहत्थे कर्ण को मारते हैं। कृष्ण कहते हैं निहत्थे भीष्म पर तीर चला, तो निहत्थे भीष्म पर तीर चलाते हैं। धर्म यानी कर्तव्य बोध, धर्म यानी कर्म बोध, उस धर्म और कर्म बोध के चक्रव्यूह में फंसोगे तो धर्म की स्थापना नहीं होगी, क्योंकि मैं स्वयं धर्म हूं, मैं ही पूर्ण परमात्मा। उसको इसने क्या छिछले व्यक्ति ने कर दिया कि पैगंबर ने इसी आधार पे कहा सब धर्म छोड़ो और मूर्तियों पे जो है अपने वो चलाए, सारे मूर्तियां तोड़ी, और इसीलिए उसने कहा सर्वधर्म छोड़ो। ये व्यक्ति गीता पर बोलने के लायक है?